नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। ओम का उच्चारण अनिवार्य नहीं, केंद्रीय मंत्री नायडू ने कहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग सत्र से पहले ओम के उच्चारण को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री एम वेंकटैया नायडू ने कहा कि यह अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अभ्यास या अनुशासन का एक हिस्सा है जो शरीर और मन को एकीकृत करता है तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी स्वीकार किया है। नायडू ने कहा कि पिछले साल पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और ये स्पष्ट रूप से प्राचीन भारतीय ज्ञान को स्वीकार करना था। उन्होंने कहा कि योग को विवादित मत बनाइए, अगर आप उच्चारण नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए। असम में भूस्खलन, 11 लोगों की मौत। असम की बराक घाटी के करीमगंज और हैलाकांडी जिलों में भूस्खलन की अलग अलग घटनाओं में बुधवार को एक ही परिवार के 5 सदस्यों सहित कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। जिले के अधिकारियों ने कहा कि हैलाकांडी जिले के बिलाईपुर में जबरदस्त भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि रामचंदी क्षेत्र में 6 साल का एक लड़का घायल हो गया। लाल पुलिस थाने के टेराचेरा क्षेत्र के बिलाईपुर में 5 लोग जिंदा दब गए, जबकि 5 साल के एक लड़के सहित अन्य 3 लोग घायल हो गए। पड़ोसी करीमगंज जिले के सोनाचिरा में निरंतर बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 3 बच्चों सहित एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। अमर सिंह ने साधा अमिताभ बच्चन पर निशाना। राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए अमर सिंह ने अपने पुराने मित्र और अभिनेता अमिताभ बच्चन पर निशाना साधा और उन्हें ऐसा अभिनेता बताया जो कई कथित अपराधों में उलझे हुए हैं और जिनका पनामा पेपर्स में नाम आया है। सिंह ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें इस असहनीय झटके को सहने की हिम्मत दे। दूसरी ओर अमर सिंह के प्रतिद्वंदी माने जाने वाले आजम खान ने उन्हें राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने को दुखद प्रकरण बताया।